चाहिए 8% तक होना चाहिए। सर यहाँ पे वर्ड आ रहा है कैपिटल के, यहाँ पे वर्ड आ रहा है पेड अप कैपिटल का। सर बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में तो वो फॉरेन बैंक्स भी शामिल थे जो कि कहीं और इनकॉर्पोरेट हुए थे और पाकिस्तान में आके उसने ब्रांच ऑफिस खोली हुई है। सर उसके लिए स्टेट बैंक, उसके लिए बैंकिंग ऑर्डिनेंस का सबसेक्शन 2 कहता है कि सर ये जो सेक्शंस हैं ये फॉरेन बैंकिंग कंपनीज को भी कंप्लाई करने पड़ेंगे। बट किस सूरत में कंप्लाई करने पड़ेंगे, इस तहत जो अमाउंट बनती है, इसके तहत जो अमाउंट बनती है, लेट से 10 अरब रुपए की जो अमाउंट बनती है, या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में जो आपका मिनिमम कैपिटल और रिजर्व होने चाहिए, वो जो एक अमाउंट बनती है, वो अमाउंट आपने किसको डिपॉजिट करवाना है। सर ये किसकी बात कर रहा है, ये फॉरेन बैंक्स की बात कर रहा है। वो अमाउंट फॉरेन बैंक्स में, वो बैंक सर जिसकी ब्रांच यहाँ पे खुली हुई है, सर उसको ये अमाउंट कहाँ डिपॉजिट करवाना होगा, किसके पास डिपॉजिट करवाना होगा? सर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डिपॉजिट कराना होगा। सर उनके पास 3 तरीके हैं, या तो तीनों तरीकों से मिक्स करके करते, या किसी भी एक में ये सारे डिपॉजिट करा दे। क्या मतलब सर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पीकेआर अकाउंट में, जो पाक रुपी अकाउंट है वहां करा दे, स्टेट बैंक के पास एक फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाए वहां पे डिपॉजिट करवा दे। सर यहाँ पर एक काम ये करे कि जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है, जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है उसमें डिपॉजिट कराए। प्यारे बच्चों ये अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एक डेफिनेशन है जो कि बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने बताई है। बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने सिक्योरिटीज की 2 डेफिनेशन बताई है, एक सिक्योरिटीज की डेफिनेशन है और एक अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की डेफिनेशन है। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज का किया हुआ है। क्यों? बिकॉज ये अप्रूव्ड सिक्योरिटीज मेरे पास टेबल्स PIBs, GOP के इजारा सुकूक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एनर्जी सुकूक जो इमरान खान ने इशू करे थे। सर ये जितने भी सुकूक होते हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, एट दी एंड पैसा किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट के पास अगर पैसा है तो उसकी रिस्क वेटेज बहुत कम हो जाती है। तो आप तीनों में से किसी भी तरीके से, या तीनों में, या फिर हाफ हाफ करके, या किसी एक में आप ये पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा सिक्योरिटीज का वर्ड यूज नहीं करना, बिकॉज सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में बताया गया है कि जी आपने आपने सर्टिफिकेट्स में, आपने शेयर्स में, आपने डिबेंचर्स में, आपने TFC में अगर इन्वेस्टमेंट करी है वो सिक्योरिटीज में होती है। इस सूरत के कंप्लायंस करने के लिए सिक्योरिटी के इन्वेस्टमेंट तसव्वुर नहीं की जाएगी, आपने अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करनी होगी।